हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें से हमने जो सेकंड हमारा पार्ट था उसमें देखा था कैसे हम सब चीज़ उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने देखना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लेट द क्वेश्चन मे बी एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, दिस इज वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है क्या, हम क्या देखते हैं, जहाँ x है जहाँ 2x है, इनमें से हमने जो एक नंबर है इसमें जो x है इसको 2x के बराबर बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वन विद टू, इनको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन। हम क्या करेंगे, एक नंबर है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे और जो टू नंबर है इसको इसके नीचे डाल देंगे, दिस इज टू। नाउ सबट्रैक्ट टू फ्रॉम थ्री, दिस इज पॉजिटिव दिस इज माइनस, पॉजिटिव माइनस। जब हम इनका घटा करेंगे इसमें से तो ये साइन जो चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव इज इक्वल टू टेन माइनस फोर सिक्स, वाई इज इक्वल टू सिक्स ओवर फाइव, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन विच इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, हियर एक्स प्लस सिक्स ओवर फाइव इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स ओवर फाइव, टेकिंग एलसीएम फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स इज इक्वल टू नाइनटीन ओवर फाइव। देयरफॉर वी ऑब्टेन एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन ओवर फाइव एंड वाई इज इक्वल टू सिक्स ओवर फाइव। नाउ वी कैन चेक दिस बाई पुटिंग द वैल्यू एक्स एंड वाई इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन, वी टेक अगेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू लेकर इसमें डालेंगे, वाई की वैल्यू है सिक्स ओवर फाइव इज इक्वल टू फाइव ओवर वन, एलसीएम फाइव, सो नाइनटीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव और ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सॉरी जहाँ आएगा
25 हैंस द रिजल्ट। इसलिए हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन नंबर को 1 और 2 दी गई है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसलिए किया है कि एक्स की वैल्यू कोफिशेंट ऑफ एक्स 2 है, जहाँ भी कोफिशेंट ऑफ एक्स 2 बन जाए, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। इस तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको प्राप्त हुई है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो वाई की वैल्यू निकल पाई है। वाई की वैल्यू को अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में डाला है और हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल पाई है। दिस इज द रिजल्ट एंड वी कैन चेक दिस बाई पुटिंग अगेन इन द क्वेश्चन नंबर 1 वी ऑब्टेन 25 विच इज ट्रू। देयरफॉर दिस मेथड बाई सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज कॉल्ड ए एलिमिनेशन मेथड। वी टेक अगेन एग्जाम्पल अगेन एक्स ओवर 2, एग्जाम्पल एक्स ओवर 2 प्लस 2y ओवर 3 इज इक्वल टू -1, एक्स -y ओवर 3 इज इक्वल टू 3। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्टली वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 बाय एलसीएम, टेकिंग एलसीएम दिस इज 6 2 मल्टीप्लाई 6 3 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 2 2 मल्टीप्लाई 2 4y इज इक्वल टू -6 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। फ्रॉम हियर when we take LCM 3, this is 3x minus y is equal to 9. 3x minus y is equal to 9. Now, this is a modified equation from 1 and 2. This is 3 and this is 4. Again, here coefficient of x is 3. And coefficient of x is 3, therefore directly we subtract. This cancels, 4 plus 1, 5y is equal to minus 15, y is equal to minus 15 over 5 is equal to minus 3. ऐसे y की वैल्यू -3 है जो हमको इनमें से मिली है, इनकी वैल्यू अगेन हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 y की वैल्यू -3 है इज इक्वल टू -6, 3x -12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। अगेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y इज इक्वल टू -3, दिस इज आंसर। एंड वी कैन चेक दिस बाई पुटिंग इन 1 एक्स ओवर 2 प्लस 2 वाई ओवर
3 is equal to minus 1, x here is 2 over 2 plus y is minus 3 over 3 is equal to minus 1. This cancels, this 3 and cancels 1 plus and minus minus 2 is equal to minus 1 or minus 1 is equal to minus 1. Here, when we put this value in the question number 1, we obtain minus 1 is equal to minus 1, which is true. Therefore, we can say x is equal to y is equal to minus 3 are the values of the given question, which we have solved with the help of elimination method. This is the second example which we have solved. We take another example, which is statement type, and we follow the statement and help draw the linear equation and solve. Take an example. 5 years ago, Ram Baj thrice as old as Sam. Ten year later, Ram will be 2x as old as Sam. How old are Ram and Sam? देखिए, हमको स्टेटमेंट दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. 5 years ago राम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज शाम. 5 साल पहले राम की आयु शाम की आयु से 3 गुना थी. जो राम था वो शाम की आयु से 3 गुना बड़ा था. 10 years later राम विल बी 2x as old as Sam. परंतु 10 साल के बाद उनकी जो आयु होगी वो शाम से डबल होगी, 2x. देन हाउ ओल्ड आर राम एंड शाम. हमने यह निकालना है कि राम की कितनी आयु है अभी और शाम की कितनी आयु है अभी. हमने क्या करना है, जो प्रेजेंट आयु है राम एंड शाम की, इसको मानना है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज एक्स ईयर और द प्रेजेंस एज ऑफ शाम इज बाई ईयर. हमने जय माना है कि आज जो उम्र है राम की वो एक्स ईयर है और आज की जो शाम की उम्र है वो वाई ईयर है. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5 years ago, इससे आज से 5 साल पहले की बात करता है. इसलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द एज ऑफ राम बिफोर 5 years विल बी x minus 5 year.
and the age of Sam is equal to 5 minus 5 year, and according to the condition 5 year below, we can write as, therefore we can write as x minus 5 is equal to 3 times y minus 5. इनकी जो एज है वो 5 साल पहले शाम की एज से 3 गुना है, जय हमारे पास एक कंडीशन हो है पहली, और देन 10 ईयर लेटर आफ्टर टेन ईयर राम विल बी एक्स प्लस 10 एंड Sam will be y plus 10, and according to the condition x plus 10 is equal to double the y plus 10. We have two equations, x minus 5 is equal to 3, y minus 5 is equal to 1. This is the first condition, and we solve this x minus 5 is equal to 3y minus 15, or x minus 3y is equal to minus 15 plus 5, x is minus 3y is equal to minus 10. This may write 3 from here, x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10, taking this towards x is equal to minus 2y is equal to 10, x plus minus 2y is equal to 10. This is equation number 4. Now we find the value of x and y. Subtract minus plus minus. This cancels. Here minus y is equal to minus 20. Or this cancels, y is equal to 20 here. Y means the age of the sum. This is y. Therefore, this is 20 years. Now, we put this value of y again here. That is x minus 3y is equal to minus 10, x minus 3 multiply 20 is equal to minus 10, x is minus 60 is equal to minus 10, or x is equal to 60 minus 10, x is equal to 50 year. Therefore, the value of x is 50 year. Therefore, answer is the present age of Ram. The present age of Ram is present age of Ram is 50 years, and Sam is 20 years. This is answer. Now, according to the condition, we can check whether our delta is positive or negative. That is,
whether this is right or wrong, according to the condition, here we put the value x, x is equal to the value of this is x, this is y, the percentage of RAM, x, x is 50 minus 50 is equal to 3, y 20 minus 5 or 50 minus 5, 45 is equal to 45 is equal to 45. They satisfy when we put the value of x and y, that is the age of RAM and SAM according to the given condition, then we find 45 is equal to 45. Therefore, this satisfies the result. And likewise, we can solve the questions with the help of elimination method. According to these questions, firstly, according to the given condition, we obtain linear equations, then solve that and find the result. Again, take an example. Take an example. We take two x plus 3 y is equal to 8, 4 x plus 6 y is equal to 7. This is equation number 1 and this is equation number 2. Similarly, here multiply 2 throughout equation number 1, we obtain 4x plus 6y is equal to 16. एक नंबर को थ्रू और टू से मल्टीप्लाई किया है, 4x plus 6y is equal to 16. Now, subtracting 3 from 2, this is positive, negative, negative, cancelled, cancelled, minus 9 is equal to 0. This is not a true statement. Minus 9 is not equal to 0. Therefore, in this pair of linear equations, we may say that these linear equations have no solution because this is not right. 0 is not equal to minus 9. Therefore, here the result is that these equations have no solution. Again, further, we can solve so many equations with this method by elimination, taking 3x plus 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2, 1, 2. Here, if we multiply equation number 2 throughout with 2, then this becomes equal. Therefore, we multiply equation number 2 with 2, that is 4x minus 4y is equal to 4. This is 3. जो equation number 2 है, हमने इसको throughout 2 से multiply किया है, 4x minus 4y is equal to 4. Then equation number 1, writing here 3x plus 4y is equal to 10. 3 or 1, हम इनको subtract, add करेंगे. Adding
अगर हम इनको ऐड करेंगे देन 4x 4 प्लस 3 7x दिस कैंसल इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7 और x इज इक्वल टू 2 देन अगेन वी पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2 वी फाइंड ऑलरेडी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 देन 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 अगेन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 ओवर 4 और y इज इक्वल टू 1 देयरफॉर द रिजल्ट इज x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 दिस इज द रिजल्ट लाइक बाई वी कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम बाई एलिमिनेशन मैथड वी हैव बट वी हैव टू डू हमने क्या करना है दोनों में से x के कोफिशेंट और y के कोफिशेंट को इक्वल करना है जैसे हमने जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में थ्रू और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हमको मिला है जहाँ 4y मिल गया है पहले ही जहाँ 4y है 4y मिल गया है इस इक्वल हो गए हैं इसको ऐड करके हमने 7x इज इक्वल टू 14 प्राप्त किया है और x की वैल्यू 2 मिल गई है ऐसे हम इक्वेशन को सॉल्व जो है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड जे था हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन को हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा धन्यवाद